हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये हमारा ब्लाउज में से बचा हुआ पीस है छोटा सा, तो इसमें से हम प्यारा सा पर्स बनाने वाले हैं। और देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है जैसे भी था, उतना जितना भी कपड़ा था उस हिसाब से मैंने निकाल दिया है। और देखिए, इसका मैं आपको नाप बाद में बताऊँगी, क्योंकि पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ और जो भी साइडों से एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको मैं निकाल दूँगी, उसके बाद आपको इसका नाप बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि पहले मैं नाप बता दूं और फिर मुझे इसमें से कट पिट करना पड़े तो वो फिर छोटा मोटा हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बाद में नाप बताऊंगी। तो देखिए, एक मैंने लिया है बैग जो सामान वगैरह आता है उसमें रखकर, और अंदर साइड में लगा लिया फॉर्म, और इसमें मैं सिलाई वगैरह लगा के सेट कर देती हूँ पहले इस अस्तर और फॉर्म को इसके साथ में, और फिर हम करेंगे इस बैग की सिलाई। बहुत ही प्यारा सा हमारा पर्स बन के रेडी होगा, और बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और देखिए, यहाँ से मैंने सीधा निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तिरछा है ये कपड़ा, उरेवी सा है, तो इसीलिए जो जिधर से एक्स्ट्रा है उसको मैं निकालती जा रही हूँ निशान लगाकर। और देखिए, इधर से मैं नाप रही 7.5 इंच का है, उधर से भी नाप लेती हूँ ताकि बराबर हमारा हो जाए कपड़ा दोनों साइड से। और ये निशान लगाकर मैं इसको यहाँ से भी कट कर दूँगी। तो पहले जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा मुझे दिख रहा है ये इधर उधर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा, उसको मैं सारी को कट कर रही हूँ और इधर से भी कट कर देती हूँ। तो हमारा ये कपड़ा सेट हो चुका है। अब देखिए, इसके हम बीच सेंटर में निशान लगाएंगे, कट्स लगा दिए मैंने इस तरीके से, आप निशान भी लगा सकते हो चौक वगैरह से बीच सेंटर में। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बीच सेंटर में निशान लगा दिए हैं। अब मैं पहले आपको नाप बता देती हूँ, नाप को बताना तो भूल ही गई। तो देखिए, 13.5 इंच इसकी चौड़ाई लंबाई है और 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो 10.5 बाई 13.5 इंच का हमारा ये पीस है। और पीस सेंटर से मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है। और देखिए, जो हमने निशान लगाया है 1.5 इंच का, उस निशान को हमें बीच वाले निशान तक चुन्नट देते हुए मिला देना है। तो इस तरीके से इधर की चुन्नट को इधर करना है, बीच वाले हिस्से में ही दोनों चुन्नटों को आपको मिलाना है। तो दोनों साइड में इसी प्रोसेस को आपको करना है। तो देखिए, मैंने कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा देती हूँ, बाद में हम जो आगे का प्रोसेस है वो करेंगे फिर। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं आलपिन निकालती जा रही हूँ और इसमें सिलाई लगाती जा रही हूँ, और ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम उल्टा करके दोनों साइडों से सिलाई लगा देंगे। तो कॉर्नर पर मैंने डबल सिलाई लगाई हुई है ताकि ओपन ना हो जो हमारा कॉर्नर है, और नीचे से भी मैं डबल सिलाई लगा दूँगी। और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है सेम तरीके से। और गाइज, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहती हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहती हूँ। और आप भी देखते होंगे शायद, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना मेरे चैनल में जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, आपको बहुत सारी इसमें लिंक मिल जाएंगी। देखिए, मैंने इसको सीधा करके कर लिया। एक और स्ट्रिप मैंने ली हुई है तो इसको मैंने रेडी कर लिया है। तो 8.5 इंच इसकी लंबाई है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। बीच सेंटर में मैं निशान लगाऊंगी। तो इसको केवल मैंने फॉर्म नहीं लगाई है, इसके अंदर जो हमारी स्ट्रिप है इसके अंदर केवल जो हमारा बैग था मार्केट वगैरह का जो सामान के साथ में आता है वो वाला बैग था, उसी को मैंने लगा दिया है कपड़े में। फिर नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, ये जो हमारी नॉर्मल मशीन होती है ज़्यादा मोटा हो जाता तो चल नहीं पाती है, इसीलिए फिर ज़्यादा मोटा करना सही नहीं है ना, इसीलिए। अब देखिए, जो हमने बीच सेंटर में निशान लगाया है ना, उसके बिल्कुल निशान के दोनों तरफ आपको सिलाई लगानी है, बिल्कुल ज़रा सी आपको बीच में जगह छोड़नी है, क्योंकि हम इसके बीच में से कट करेंगे। तो कि इस तरीके से आपने देख ही लिया होगा, अब जो सिलाई लगी हुई है हमारी दोनों साइड में, इसके हम बीच में से कट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर हम चैन ले ली है हमने, चैन को अटैच करेंगे। तो देखिए, चैन को मैंने अटैच कर दिया इस तरीके से, ऊपर से भी मैं सिलाई लगा दूंगी, और इसी तरीके से हम लगाएंगे दूसरी साइड के पार्ट को भी। और देखिए, मेरे पास सादा ही मशीन है तो मैं इसी से ही आपको बताती हूँ।
कुछ लोग कहते हैं कि पैर वाली मंगा लो, लेकिन अभी पैसे मैं थोड़ा सा इकट्ठे कर रही हूँ, अच्छी वाली मंगाऊंगी क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए नहीं मंगा रही हूँ अभी मैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया है। अब इसको हम फोल्ड करके सीधी सिलाई लगाएंगे पहले, सबसे पहले तो जो जेब वाला पार्ट है वहाँ पर हमने डबल तिबल सिलाई लगाई हुई है ताकि हमारी जेब पैसे सिलाई ना निकले, और नीचे की साइड में भी हमने डबल सिलाई लगाई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड को भी सिल देना है। तो मैंने ये पट्टी किस हिसाब से ली है आपने शायद मैंने दिखाया ही नहीं है, और तो मैं बता देती हूँ, जो हमारी पर्स की जो चौड़ाई है ना ऊपर वाली, उसके हिसाब उसको आपको पूरी चौड़ाई को सिलाई के बाद नाप लेना है, या फिर सिलाई सहित नापोगे तो आपको उसी के बराबर लंबी लेनी है, और अगर आप सिलाई को छोड़ते हुए नापने हैं तो सिलाई के लिए आपको पार्ट एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच का, ये बस आपको करना है। तो जो हमारे बैग की जो ऊपर की जो चौड़ाई थी ना है, उसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई ली थी मैंने कपड़े की वो 8.5 इंच की है। तो आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो इसमें हम डाल देंगे रनर, तो देखिए रनर डालना भूल गई थी मैं, तो ये आपके भी साथ होता हो सकता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं बताती भी नहीं, लेकिन ये आपके साथ भी हो सकता है। तो मैंने सिलाई को निकाल कर और फिर से रनर डाला और फिर से सिलाई लगाई हुई है। कभी कभी हो जाता है, ऐसा होता है क्योंकि मेरे 3-3 बच्चे हैं, उनको भी संभालना होता है ना, तो टेंशन उधर ही लगी रहती है, तो थोड़ा बहुत भूल हो जाती है। तो देखिए हमने एक स्ट्रिप ली है, ये करीब मैंने 3 इंच चौड़ी ली है। अभी इसकी लंबाई मैं आपको बता दूंगी। इसको देखिए डबल फोल्ड किया है और इसको मैंने कट कर दिया है इस तरीके से। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 11.5 इंच की, तो 11.5 इंच की एक ही स्ट्रिप है, दो नहीं है, तो 11.5 इंच की स्ट्रिप है। और इसको देखिए दोनों तरफ से सेट कर देना है इस तरीके से, और बीच में देखिए बिल्कुल बराबर आया है हमारा पार्ट, बिल्कुल ना छोटा है और ना बड़ा है। अगर आपका पार्ट छोटा हो ना, मतलब छोटा, पहले ही आपको सिलाई एक एक सिलाई साइडों से लगा के नाप लेना है। देखिए जो हमारा 20 सेंटर है वहाँ से हमें 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर निशान लगाना है दोनों साइड में, पीछे मतलब दोनों साइड में डोरी के लिए, स्ट्रिप के लिए, तनी के लिए, जो भी आप इसको नाम दो। तो देखिए इस तरीके से आपको अंदर डालते हुए तनी को और सेट कर देना है जो हमने निशान लगाए हैं। इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है दोनों साइड से, और इसको मैं अंदर कर देती हूँ स्ट्रिप के अंदर। इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो शायद आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि बैक अड़ रहा है बीच में। तो सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है जो हमारा चैन वाला पार्ट है और ऊपर का बैक वाला जो पार्ट है, और कुछ नहीं है। और जो हमने जो स्ट्रिप अटैच की हुई है उनको, उनके ऊपर भी हमें डबल सिलाई चला देनी है ताकि जो सिलाई है वो निकले ना। तो देखिए सिलाई के जो स्ट्रिप है हमारी पट्टी, उसके ऊपर मैं डबल सिलाई चलाती जा रही हूँ और पूरे राउंड में मैं सिलाई लगा दी है। अब देखिए इसको मैं ओपन कर लूँगी तो इस तरीके से हो जाएगा कुछ, और देखिए इसको इस तरीके से सेट करके अंदर की साइड में पट्टी को ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लगानी है। तो देखिए इस तरीके से ऊपर तनी को ऊपर कर लेना है आपको, और थोड़ा सा 1/4 इंच करीब नीचे लेते हुए सिलाई लगाते जाना है, पूरे मतलब चैन वाली जो पट्टी है उस पर पूरे पर आपको लगानी है सिलाई। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए इसका मैं फाइनल लुक अभी आपको दिखाऊंगी, इसको सीधा करने की तो ज़रूरत है ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सीधा है।
तो ये देखिए इस तरीके से इसका कुछ लुक आ जाएगा। आप देखिए ऊपर की साइड में लुक, इसको लुक देने के लिए कोई भी फ्लावर वगैरह कपड़े का बना के लगा सकते हो, या फिर कोई आपके पास पड़ा हो तो वो आप लगा सकते हो, या फिर साड़ी पिन वगैरह लगा सकते हो, जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।